बताओ कबूतर का है? झूले पे ना। झूले पे? अरे 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 अपने कबूतर का गया यार, अंदर नहीं है। ओ शिट, ये क्या हो गया? चोरी तो नहीं हो गई? वेलकम बैक गाइस, वंस अगेन टू मिनी एनिमल वर्ल्ड। तो भाई 5-6 दिन से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी, तो 5 दिन से जब वीडियोस आई नहीं है हमारी, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि भाई एक इशू हो गया था हमारा, इंटरनेट का इशू हो गया था, जिसके चलते मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ना ही मैं इस मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जिसमें मैं एडिट करता हूँ उसमें सेंड कर पा रहा था, तो इसलिए 5-6 दिन का थोड़ा बहुत डिले हो गया। आई एम सो सॉरी। एंड आज के सूर्य में भाई बहुत कुछ अपने को करना है यार, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट उठे। मैं नहीं, ये तो जल्दी उठ जाते हैं, मैं थोड़ा देर लगाता हूँ उठने में। 9:30 बज चुके हैं यार, इनको खाना वगैरह देना होता है, बहुत ज़्यादा भूखे ये लोग हैं। और आज के इस वीडियो में तुम लोगों को बैड न्यूज़ भी बताने वाला हूँ, एक गुड न्यूज़ भी बताने वाला हूँ, ठीक है? दो बैड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है। और सबसे पहले अपन काम शुरू करते हैं, इन सबको खाना देते हैं। और तुम लोगों ने, मैंने रिकॉर्ड करा था कि तुम लोगों ने अगर मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, मैंने कहा था तुम लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने वाला हूँ अपने खरगोश। अपन ने दिखाया नहीं तो वो व्लॉग अपलोड हुआ नहीं, क्योंकि अपन ने रिकॉर्ड किया था पर व्लॉग अपलोड हुआ नहीं। तुम लोगों को मैं बता देता हूँ, तो ये है हमारे खरगोशों का घर। बहुत ज़्यादा मेहनत से हमने बनाई थी, इतनी ज़्यादा मंजूरी हमको करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा मेहनत हमने बनाई थी। अगर मैं जैसे ही खोलूँगा, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है। खोल दे, ये लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्यूट खरगोश है यार। ये बहुत ज़्यादा बड़े भी है, नॉर्मल साइज से बहुत ज़्यादा बड़े खरगोश हमने लाए हैं। और इसी के रिलेटेड एक बैड न्यूज़ है, तुम लोग को हम थोड़ी देर में देते हैं, हम वीडियो के बीच में देंगे। तो देखो यार, इनको भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो इनको भी हमें खाना देना है। देखो हाथ को सूंघ रहे। तो पहले यार हमारा पुराना काम, इसको खोल देना यार। चलो खोल दो इसको, चलो आ जाओ भाई, सब लोग बाहर आ जाओ। ये देखो भाई, हमारा मुर्गा ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ये देखो अब सब खाना शुरू हो जाएंगे आराम से, इनको खाते रहने दो। और ये तो यार इतनी ज़्यादा भूख लगी है, लोग बाहर आ जा रहे, इनको बाहर आ, हम थोड़ा घूमने देंगे, ठीक है? तो ये देखो भाई, ये है हमारा खाना, हम लेके आ चुके। चलो चलो भाई, तुम लोगों को खिलाते हैं। तो भाई एक बार खाते हुए दिखा दो, इतने ज़्यादा क्यूट ये लोग दिखते हैं ना, ये देखो भाई बहुत ज़्यादा यार ये क्यूट दिखाते हैं। अब तीसरी वाली इसमें से, हाँ ये तो बताया नहीं मैंने, है ना? तीन खरगोश है, तीन खरगोश से एक खरगोश प्रेग्नेंट, उसमें बच्चे देने वाली हो अभी। तो हमें कोई आइडिया नहीं है इतना कि हमको क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। हमने जो एक घर बनाया, तीनों को अंदर डाल दिया। पहले जो है वो लोग इस क्रेट में थे, अलग अलग इस क्रेट में हमने रखा था तीनों भी, तो और अलग अलग थे बेसिकली। जब हमने ये घर बनाया ना, सबको एक साथ हमने डाल लिया। अब देखो यहाँ पर इसमें जो बच्चे देने वाली है वो भी है, ये नहीं है, वो अंदर है। इसको आराम से खाना खिला दो, मैं अपने कबूतरों को खोल देता हूँ। कबूतर का है? झूले पे ना। झूले पे? अरे 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 अपने कबूतर का गया यार, है अंदर? अंदर नहीं है। हमारे कबूतर कहाँ गए? ओ शिट, ये क्या हो गया भाई? कबूतर नीचे भी नहीं है यार, चोरी तो नहीं हो गई? ताला लगा गेट को। अभी तो ऊपर चढ़ के तो आ सकते, अभी उड़ के भी नहीं जा सकते यार वो लोग तो, उनके पंख उठ को उखड़े हुए, कहाँ गए यार वो लोग? अभी मेरे ख्याल से बिल्ली ने लेके चले गए यार, बहुत भाई कबूतर उठा के लेके चले गए शायद बिल्ली ने, यार कुछ भी नहीं है अंदर यार, कहाँ गए ये लोग? बिल्ली ने लेके गए पर इसके अंदर यार। या अल्लाह क्या हो रहा है, बाहर देख बोला उड़ के बाहर चले गए होंगे। तो एक मिनट में कैमरा बाहर डाल के, नहीं यार बाहर तो कोई है ही नहीं। हाँ पता नहीं ना चाबी कहाँ है, ये देखो जो लॉक लगा हुआ रहता है, बिल्ली ने आके लेके गई है यार।
यहाँ पर एक पर है कबूतर का। का है का है का। अरे बाप रे, चल झल के देखते पर को फॉलो करो यार। अगर वो यहाँ पर लेके गई है तो यहाँ पर होना चाहिए, पर एक साथ दो लेके गई है यार, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। बिल्ली का काम तो दिख रहा है मेरे को, पर ये तो झूले पे रखा हुआ था तो ये नीचे कैसे आया? नीचे गिरता बिल्ली गिरता भी था, इधर गिरता था, उधर नहीं गिरता था। मतलब किसी ने चोरी करके लेके गया, बिल्ली का हाथ नहीं है इसमें, क्योंकि वो गिरता भी तो ये भी बात है वहां गिरता था, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं गिरता था। ऐसा था ना इधर साइड। हाँ तो इधर कैसे गया? किसी ने खोल के चोरी करके लेके गया भाई। भाई कबूतर गायब होते को मालूम क्या है भाई साहब, किसी ने चोरी करके लेके गया 100% में बोल रहा तुम लोगों को। और आज की वीडियो में क्या क्या हमारा प्लान था कि क्या क्या हम करने वाले, पर स्टार्टिंग में हमें इतनी बुरी बैड न्यूज मिल गई, क्या बताऊँ मैं। चलो चल के देखो, बैठ के बाद बताता हूँ मैं क्या करने वाले थे हम। असल में दो बैड न्यूज़ में बोल रहा था, दो बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ में तुमको बाद में बताऊँगा, वो देखते हैं मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा कि नेक्स्ट व्लॉग में क्यों बता रहा हूँ मैं ये बताता हूँ। उससे पहले बैड न्यूज़ सुन लो, हमारे जो कबूतर है उनको हम सेल कर दे रहे थे, और वो सेल करने का रीज़न था वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, इसलिए हम उनको सेल कर दे रहे थे। उनकी जगह हम नए कबूतर लाने वाले थे वो पैसे जमा करके, पर वो तो पहले ही भाई कैसे हो गया चोरी का होगा यार ये लोग तो। उनका उसमें तो बैड न्यूज़ यही थी भाई कि अपने कबूतर अब जो हमने लास्ट व्लॉग में हमने लाया था वो अब चले जाने वाले, ये बैड न्यूज़ थी। और वो बैड न्यूज़ तो भाई सेल करने की थी, अब ये तो चोरी हो गई डायरेक्ट आ सकते हमारे। पर ऐसा क्यों कि उसने सिर्फ कबूतर चोरी करा, कबूतर आसान पकड़ने में, ये भी बात है। अपन मुर्गा वगैरह खोलते थे थोड़ा बहुत शोर मचाते थे ये लोग इसलिए। चलो यार गाइस ये देखो बहुत ज़्यादा घान हो चुकी है, अब ये घान जैसी पूरा साफ कर लेता हूँ फिर मैं तुम लोगों को समझता हूँ। यहाँ पर हो चुका है थोड़ा बहुत अपना आराम से एकदम साफ हो चुका है, थोड़ा बहुत कचरा लगता है उसका कोई टेंशन नहीं, वो भी साफ कर लेंगे। A few moments later. भाई ये बच्चा गेट में आ गया, पूरी एक ही उंगली, एक उंगली निकल गई, देखो हमने पट्टी बांधी उसको। अरे यार पूरा का पूरा फ्रैक्चर हो गया गाइस इसका, अभी मेरे को नहीं मालूम क्या करना है। अभी हमने हल्दी लगाया और बांध दिया, वो असल में मैं गेट बंद कर रहा था तो गेट के बीच में आ चुका है हमारा दिलावर। क्या करना है, इसका एक उंगली पूरी टूट चुकी है, अभी इसको क्या ठीक करना कोई आइडिया नहीं है। अभी हमने हल्दी लगाया है और अभी देखो यार इतना काँप रहे हैं थर थर, तुमको अभी वीडियो में नहीं दिख रहा हूँ, मेरे हाथ में फील हो रहा है मुझे। वह इसको कैसे ठीक करना है, मतलब एक कैसे हील होगा या रिकवर होगा, या तुम लोग हमें कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत बताओ क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि भाई हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए यार। दिलावर की पूरी एक उंगली टूट गई, हम दिखा भी नहीं सकते, यूट्यूब हमारे वीडियो को हटा देंगे इसलिए। तो इसलिए भाई यार दुआ करो यार दिलावर के लिए, पता नहीं अचानक से गेट में आ गया भाई बेचारे का, पूरा गोश्त निकल गया, हड्डी पूरी दिख रही है उसकी, लटक रहा है उसका गोश्त, गोश्त को काट भी नहीं सकते, उसको सुन करना पड़ेगा, सुन करने के वास्ते उसको वो करना पड़ेगा, उन डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा अभी। भाई यार हमारे दिलावर को ना हमने यहाँ पर रख दिया है, बहुत ज़्यादा बेचारा दर्द में चिल्ला रहा था, तो अभी इसको खाना भी हमें देना है। अभी इसकी एक और बार हमने पट्टी करी है बेचारे की, तो ये अभी सोया हुआ है, इसको डिस्टर्ब नहीं करते बिल्कुल भी। और यहाँ पर हमारी बिल्लियों के केयर टेकर या हमारे इसको भी ध्यान रखने का बोला है, क्योंकि जब भी ये चिल्लाएगा ना तो इसको थोड़ा बहुत कम्फर्ट करना, क्योंकि थोड़ा घबरा जाएगा है ना, तो सारी चीज़ें करने की। और अभी तो लोग टाइम देख सकते हो यार 3 बज रहे हैं अभी सिर्फ, बहुत दो चार पाँच चार बोल रहा हूँ मैं, 3 घंटे के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। तो अभी मेरे को खरगोशों को खाना देते हुए आ रहा था मैं, ये देखो मैं इनको खाना दिया था मैंने एकदम पेट भर के, लोग खाने वाले, ये गोभी देता हूँ मैं इनको खाने को, ये गोभी। अभी इसके रिलेटेड बैड न्यूज़ तुम लोगों को मैं देने वाला था तो वो मैं देता हूँ, उससे पहले मैंने बता दूं कि दिलावर को मतलब क्या हुआ था एक्चुअली में। ये देखो यार ये गेट जो है ना इधर ही पूरा खेल था, गेट में ना बंद कर रहा था और दिलावर इसी तरह, ये देखो इसी तरह ना गिरा, दिलावर यहाँ पर आके खड़े हो गया था मेरे बंद करते वक्त, और उसका पैर जो है एकदम चपक गया, यार बेचारे की पूरी एक उंगली टूट चुकी है।
चलो मेरी गलती मान के चलो यार, मैं थोड़ा सा अलर्ट नहीं था, बल्कि मैं पहले तो काफ़ी ज़्यादा अलर्टिवली दरवाज़ा बंद कर रहा था। मेरे को मालूम है ये दरवाजे के नीचे बच्चे आ जाएंगे कभी ना कभी, मैं कर रहा था, पर वो अचानक से भागते हुए यार, मैं क्या करूँ, मैं उस टाइम पे रिएक्ट नहीं कर पाया। तो अभी इसके रिलेटेड मैं तुमको बैड न्यूज़ देने वाला था, तो मैं अभी देता हूँ कि खरगोश रिलेटेड बैड न्यूज़ क्या है। चलो भाई मैं बताता हूँ यार, खरगोशों के रिलेटेड बैड न्यूज़ क्या है तुम लोगों को, और मैं वो शॉर्ट भी तुम लोगों को दिखाने वाले। देखो भाई मैं अभी ड्रेस वगैरह चेंज करके आया, क्योंकि जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आए हैं हम अभी, कुछ थोड़ा ही टाइम हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमें। तो अभी उनके रिलेटेड बैड न्यूज़ ये है भाई, जिन भाई ने हमें जो है दिया है ये बेसिकली खरगोश, वो अभी उन्हें वापस लेने आने वाले हैं। अब तुम लोग बोलेंगे भाई यार क्या यार, अभी तुम लोगों ने खरगोश को रिवील करा और अभी तो तुम लोग दे दे रहे हो यार। इसके एक बार याद रखो, दो बैड न्यूज़ तुम्हें मिली है, पहला कि सुबह हमारा कबूतर चोरी हो गया था, दूसरी चीज़ कि यहाँ पर एक खरगोश जाने वाले, दो बैड न्यूज़ में तुम लोग को दिया हो। तो ये मत बोलो यार गुड न्यूज़ भी अभी बाकी है। गुड न्यूज़ तुम लोग सुनोगे ना, तुम बोलेंगे भाई हो गए, हो जाए चोरी, कबूतर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग खरगोश चल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो गुड न्यूज़ सुनने वाले हो ना तुम लोग एकदम खुशी के मारे पागल हो जाओगे। जो भी मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हो जाते हो कि ये हमारा मिनी फार्म या फिर मिनी जू अपग्रेड हो जाए, तो वो सारी चीज़ें तुमको बहुत ज़्यादा खुश होने वाले। तो वो सारी चीज़ें मैं तुम्हारे को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा, क्योंकि व्लॉग को ज़्यादा लंबा मैं करना नहीं चाहता हूँ। पहले 20 मिनट से आगे ज़्यादा ये व्लॉग लंबा हो चुका है, मैं ज़्यादा व्लॉग को लंबा नहीं करूँगा। शॉर्ट में बात करते, वो भाई जो है उनका कोई पर्सनल रीज़न था जिस वजह से वो जो है हमारे खरगोश वापस लेना चाह रहे हैं। अब मैंने कहा कि भाई यार तुम डबल पैसे ले लेना या फिर पैसे ले लेना यार, मत लो इन्हें, पर वो कह रहे हैं नहीं यार मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने खुद जो है किसी और से ये खरगोश ले रखा था और उन्हें ये खरगोश चाहिए। तो फिर हमने रिक्वेस्ट करी यार कोई बच्चे वाली जो है खरगोश कम से कम उन्हें छोड़ दो, तो उन्होंने कहा यार नहीं उनको तीनों को तीनों चाहिए। तो कुछ कर नहीं सकते अभी, अभी और रात में शायद अफ्तारी के बाद वो आ जाएंगे और इन खरगोश को लेके चल जाने वाले। टेंशन मत लो यार, अभी एक चीज़ जाती है दूसरी चीज़ फिर आती है। तो हमने एक और चीज़ कछुए की बात करी हो यार, हमने कछुआ हमने कई देख रहे हैं हम कछुआ, तुमने को बोला था यार कि कोई ना कोई चीज़ आएंगी तो हम कछुआ ढूंढ रहे हैं भाई, छोटे छोटे कछुए आते हैं ना वो हम पालने वाले हैं। उसके अलावा बात कर लेते भाई यार कि कबूतर की, भाई यार वो सुबह चोरी हो गए और पता नहीं कहाँ गए, किसने उठाया, अभी जांच पड़ताल करने पर भी कुछ अपने को इतना आइडिया मिला नहीं है क्या हुआ होगा। ठीक है, तो अभी गुड न्यूज़ में तुम लोगों को अगले व्लॉग में दूंगा। डोरा देखो, ये देखो, ये देखो हरकतें, हरकतें देखो इसकी, इसकी तुम अगर गौर करोगे ना इसकी एक उंगली टेढ़ी है, थोड़ा जूम करके दिखाओ, वो देखो दिख रही है, दिख रही है इसकी एक उंगली बिल्कुल ही टेढ़ी है, तुम देख सकते होंगे। अब इसी तरह ये हो सकता है हमारे दिल हो जाए, ठीक है, ये हो सकता है दिलावर का भी इसी तरह उंगली हो जाए जब मुर्गियों को नहलाने वाले। पर यार अब दिलावर का बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया, क्योंकि दिलावर जो है उनको उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी, उसके पास हमें रहना पड़ेगा, तो ना ही हम ये धो पाए और हमने नहा भी लिया है तो अब तो ऑब्वियसली हम धो नहीं सकते। हो सकता है कल या परसों हम जो है मुर्गियों को नहलाएं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा, बहुत एकदम तड़ाके की धूप है। तुम लोग पीछे के साइड देखो इतनी ज़्यादा धूप है ना, बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है मेरे ये सर पे, तुम लोग कैमरे में नहीं दिख रहा, वो आ जाते हैं ना गर्मी से पसीने से खुंसा वाले, वो आ चुके हैं भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर अकोला में, बहुत ज़्यादा। तो अभी उनको नहलाने का काम जो है पोस्टपोन करते हैं हम, कल या परसों घर में वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर वो भाई आ गए हैं, भाई ने लेके भी चला गया। हाँ मैंने तुमको अभी जैसे बताया कि वो खरगोश लेने आने वाले हैं, खरगोश उनको वापस देना है, वो लोग ऑलरेडी लेके चले जा चुके हैं, मैं दिखाता हूँ। ये देखो भाई अभी जैसे लेके आए, वो रिकॉर्ड करना भूल गया क्योंकि उनको रख के अंदर से देना पड़ रहा था, कोई था भी नहीं रिकॉर्ड करने के लिए भाई यार पूरा। अब इतना सारा हमने जो घर बनाया पूरा वेस्ट चला गया। अब ये घर में किसको रखना कुछ समझ आ नहीं रहा, हो सकता बिल्लियों को रख सकते हैं, अपने बेला को इकरा को दुआ को इसके अंदर रख देंगे, मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि उसके अंदर की जो ज़मीन है ना वो ठंडी भी रहती है, उसको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। अपना व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ, क्यों, क्योंकि भाई मैंने सोचा था कि अपन जो है व्लॉग एंड तब करेंगे जब वो रात में आएंगे जब लेने को, तब मैं तुमको शॉर्ट बताऊंगा, पर अनफॉर्चुनेटली सॉरी गाइस मैं तुमको शॉर्ट बता नहीं पाया, क्योंकि
मैं इनको पकड़ पकड़ के दे रहा था, थैली पकड़ रहा था, तो ब्लॉग कैसे बनाता कोई था भी नहीं मेरे पास पास, मैं उनको मोबाइल दे दूँ बनाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैंने क्या बोला था, मैं वीडियो के लास्ट में जो क्या क्या तुम लोग कमेंट करना है वो सारी चीज़ें मैं तुम लोग बताने वाला हूँ, तुम वो सारी चीज़ें सुन लो। पहला रूही का नाम बदलना है भाई, रूही एक मुर्गा है, वो एक लड़की नहीं है, तो उसका नाम अपने को बदलना है, उसका नाम रूही तो कुछ और रखो, कुछ लड़के वाला नाम बताओ जो अभी वो, ये देखो अभी ये जो अपनी काला चूदा है ना, ये मुर्गा है भाई, इसका नाम जो नए लोग देख रहे हैं इसका नाम पिछले वाले भाई ने रूही बताया था, क्यों बल्कि ये लड़की का नाम, पर ये लड़का है, तो लड़के वाला नाम कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। दूसरी चीज़ तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि लाइक अपन दिलावर को कैसे ठीक कर सकते, कैसे रिकवर कर सकते। अभी फ़िलहाल मैंने दिलावर को क्या करा, दिलावर के पैर जो उंगली टूटी थी उसकी, उस उंगली में हल्दी भी लगा दी, हल्दी खून रोकने के लिए उसके अंदर हल्दी लगा दी और पट्टी करके हमने रख दुखा को थोड़ा सा हमने टोकरी के अंदर रख दिया, सुला रहे हैं हम उसको थोड़ा सा, और हो सकता है हम हॉस्पिटल से भी एक चक्कर मार ले कि क्या कर सकते हो उस चीज़ का, अपन वो भी अपन देख के आएंगे। तो तुम लोग ये दो चीज़ें, पहला रूही का नाम, दूसरा दिलावर को रिकवर हम कैसे कर सकते वो सारी चीज़ें बतानी है। तीसरी चीज़ वो है कि भाई यार तुमको कछुआ चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि हम दो चीज़ें सोच रहे लाने का, पहला कछुआ और बदक, तो तुम दोनों में से कोई एक अभी फ़िलहाल हम ला सकते, हम डक्स ला सकते, बदक ला सकते, या फिर हम कछुआ ला सकते, तो इन दोनों में से कौन सी चीज़ तुम लोगों को चाहिए तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही भाई, आज की वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ, मैं रात में एंड करने वाला था पर मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ क्योंकि हमारे खरगोश वगैरह भी जा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने 64 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो भाई 70 सब्सक्राइबर के मन बहुत ज़्यादा क्लोज है, पढ़वा दे एक लाइक और सब्सक्राइब करके 70 सब्सक्राइबर्स पढ़वा दे करा दो। मिलते हैं किसी ऐसी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।